हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम नए तरीके के नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। एक बार से आप बना के ज़रूर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो आलू को उबाल लेंगे और उसी के साथ साथ आधे कटोरी मैंने मटर को भी उबाल लिया है। तो दोनों को इकट्ठे उबाल के और थोड़ी देर के लिए पानी निकाल के रख दिया है, हल्का हल्का ठंडा हो गया है। तो अब एक मिक्सिंग बाउल में डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और आलू को बहुत ही अच्छे से मैश कर लेंगे और मटर थोड़े थोड़े से खड़े भी रह जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि मटर तो थोड़े खड़े भी रह जाते हैं तो नाश्ते में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको दबा दबा के अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालेंगे थोड़ी ढेर सारी, क्योंकि धनिया पत्ती से फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आता है और नाश्ता जो है देखने में भी अच्छा दिखता है। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे डाला है साबुत जीरा और आधे छोटे चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। आधे छोटे चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच चावल का आटा डाला है। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी, जब हम इसको बनाएंगे नाश्ते को तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा आसानी से। तो इन सबको अब अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से गूंथते जाएंगे। तो इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, बस आलू का जो मॉइस्चर होता है ना उसी के सहारे हम इसको गूंथते जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे इसको हाथ दबा के मिक्स करते जाएंगे वैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से सब आलू इकट्ठा हो गया है अच्छे से। अब हम एक बार हाथ को धो के और साफ़ कर लेंगे और फिर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में, ताकि ये जो हम मिश्रण लेके बनाए हाथ से तो फिर हाथों में चिपके नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम हाथों में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे एक टिक्की के बराबर और ऐसे इसको बनाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, एकदम चिकना चिकना सा टिक्की जैसे गोल गोल बन रहा है। तो मैंने इसको ये वाला शेप दिया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से सारी टिक्कियाँ कितने अच्छे से बन गई हैं एकदम अच्छे शेप में। तो अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और उसमें दो चम्मच के करीब में हम मैदा डालेंगे। मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और इसमें हम थोड़ी सी नमक डाल लेंगे और आधे छोटे चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे और ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जब हम नाश्ता बनाएंगे तो देखने में नाश्ता हमारा कलरफुल दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से एक बार में पानी ना डालें वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी ढेर सारी, फिर मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर बाद में इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको एक पतला सा घोल बना लेंगे। अब हमने जो ये नाश्ता बना के रखा है, अब हम क्या करेंगे कि इसको एक एक लेंगे और इसमें इस तरीके से डाल के डीप कर देंगे। चम्मच से दोनों तरफ से अलट पलट के इसको मिला लेंगे ताकि नाश्ते में एक अच्छी सी इसकी लेयर चढ़ जाए। अब मैंने गैस पे एक पैन में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तो तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और ये नाश्ता जो हमने बना के रखा है इसको मैदे वाले घोल में एक एक बार डिप करेंगे और इस तरीके से उठा के गरम गरम तेल में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, सारा हम इस तरीके से डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा सिक जाए, फिर हम पलटेंगे। अब इसे सीखते हुए थोड़ी देर हो गया है तो अब हम इसको पलट देते हैं और ये देखिए, एक तरफ से ये थोड़ा थोड़ा सीख गया है। तो अब हम इसको पलट के और थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, तो दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सीख जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये दूसरी तरफ से भी बहुत ही बढ़िया सीख गया है, पलट दे रहे हैं। तो ये देखिए, पलटने के बाद से इसका कलर कितना प्यारा सा दिख रहा है और देख के कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम से खाने का मन कर रहा है। तो आप इस नाश्ते को एक बार से ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा।
अब इसको हाई फ्लेम पे करके अलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए ऐसा ही कलर आने तक आपको सेकना है ताकि ऊपर से नाश्ता जो है एकदम क्रिस्पी क्रंची बने और अंदर से एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट आलू और मटर की स्टफिंग। तो देख के लग रहा है ना सुपर टेस्टी, तो बहुत ही झटपट से बन जाता है ये नाश्ता, बिल्कुल भी कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो या चटपटा खाना हो या टी टाइम स्नैक्स के रूप में कुछ खाने का मन करे तो आप इसे बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।